आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे योगासनों का अभ्यास जिनकी मदद से हम IBS की समस्या यानी इरिटेबल बावल सिंड्रोम से किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं, इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। यह गट और माइंड का जो कम्युनिकेशन कनेक्शन है ना, वो डिस्टर्ब रहता है। और ये डिस्टर्ब होने का रीजन क्या है, क्यों इस तरीके से होता है? क्योंकि हम अत्यधिक तनाव लेते हैं, हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बिगड़ जाती है। खाने पीने का कोई टाइम नहीं रहता, बहुत सोने का टाइम नहीं रहता, टाइम से सोते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं। तो इस कारण से ये गट का और माइंड का कम्युनिकेशन जब बिगड़ता है ना, तो हमारी इंटेस्टाइन की मूवमेंट पे इसका बहुत अत्यधिक फर्क पड़ता है। अब सवाल ये उठता है, क्या हम IBS की समस्या को निरंतर योग अभ्यास करके अपने IBS को मैनेज कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। जब आप अलग अलग तरीके के आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो इससे आपका स्ट्रेस जो है वो मैनेज होता है, स्ट्रेस जो है वो कंट्रोल होता है। और जैसे आपकी लाइफ स्टाइल पर भी आप काम कर लेते हैं, तो आपके गट का माइंड के साथ कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, यानी गट की ब्रेन के साथ, माइंड के साथ जो दोस्ती है अच्छी हो जाती है। फिर ब्रेन से निकलने वाले सिग्नल, क्योंकि पूरी बॉडी का जो भी एक्टिविटी है वो ब्रेन से ही तो कंट्रोल होता है ना, तो जब आपका ब्रेन हैप्पी होगा, हेल्दी होगा, वो कम्युनिकेशन बेहतर होगा, तब ये कॉन्स्टिपेशन और डायरिया वाली जो IBS की समस्या है, इसको बहुत हद तक मैनेज किया जा सकता है। तो बेधड़क योग का अभ्यास करना शुरू कीजिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भूल गए हैं सब्सक्राइब करना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो आइए अभ्यास करते हैं योगासनों का। सबसे पहले कुछ साइड बेंड्स करेंगे, जिससे पेट की मांसपेशियां बहुत अच्छी तरीके से खिंच जाएं। अपने राइट पाम को मैट पर रखें इस तरीके से, लेफ्ट बाजू जो है कान के पास हो, सांस लें, पहले हाथ को छत की तरफ खींचें और फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए अपनी राइट एल्बो को बेंड करें और छत की तरफ देखें। ऐसे बहुत आराम आराम से सारे अभ्यासों को करना है। फिर लेफ्ट पाम मैट पर, राइट हथेली राइट बाजू कान के पास, राइट हथेली छत की तरफ और दूसरी तरफ ऐसे बेंड हो जाए। इनहेल, सांस लें और सांस छोड़ते हुए बेंड हो जाएं, छत की तरफ देखें। सांस लें और सांस को छोड़ दें, लेफ्ट बेंड हो जाए, छत की तरफ देखें। एक बार और, जब आप इस अभ्यास को करें तो 5 से 7 बार दोनों तरफ रिपीट कर लें। हाथ को इस तरीके से मोड़े नहीं, सीधा रखें और फिर उसके बाद लास्ट वन, सांस लें और सांस छोड़ें दूसरी तरफ भी। तो एक तरफ जब ये अभ्यास करें तो इसको दूसरी तरफ रिपीट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब करते हैं स्पाइनल ट्विस्ट। राइट पाम को लेफ्ट नी पर रखा, लेफ्ट पाम को बॉडी के पीछे रखा और चेहरे को घुमा दिया ऐसे पीछे तरफ, पीछे की तरफ। चेंज करेंगे, सांस लें और सांस छोड़ें, पीछे देखें। सांस लें, सामने देखें और सांस छोड़ते हुए पीछे देखें, ऐसे। सांस लें, लुक फॉरवर्ड, सांस छोड़ें, लुक बैक। इस अभ्यास को भी 5 से 7 बार रिपीट करना है, दोनों तरफ, राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ, इस तरीके से ऐसे। कमर गर्दन को ऐसे झुका मत लीजिएगा, सीधी रखिएगा और पूरा पीछे देखने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप सामने ऐसे देख रहे हैं, पीछे देखने की कोशिश कीजिएगा। अब दोनों हाथ की हथेलियों को बॉडी के पीछे लेके जाएं, योग मुद्रासन। इस तरीके से दोनों हाथों को बॉडी के पीछे लेके गए हैं, उंगलियों को फंसा लिया है, शोल्डर्स को रोल बैक कर लिया है, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए बेंड फॉरवर्ड, अपने माथे को मैट की तरफ लेके जा रहे हैं। फिर सांस लें, इसका भी अभ्यास 3 से 5 बार कर लें। सांस लें, सामने देखें और सांस छोड़ते हुए हेड टुवर्ड्स योर योगा मैट। इसका अभ्यास चाहे तो आप वज्रासन में भी कर सकते हैं। सांस लिया और सांस छोड़ते हुए हेड टुवर्ड्स योगा मैट, ऐसे। जब आप वज्रासन में इसका अभ्यास करते हैं तो दोनों पैरों को एक एक करके ऐसे घुटने से मोड़ते हैं, अपनी एड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं और टो को एक दूसरे के साथ रखते हैं, यानी
पैर के बड़े अंगूठे को साथ में रखते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे सामने जब बेंड होंगे ना तो आपकी थाई का दबाव पेट पर पड़ेगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे वज्रासन में बैठने में कंफर्टेबल नहीं थे, इसीलिए मैंने सबसे पहले सुखासन में वो अभ्यास करना बता दिया, फिर उसके बाद सांस लें और फिर उसके बाद रिलीज कर दें। तो सांस लिया और सांस छोड़ते हुए सामने गए, तो इन सारे अभ्यासों से क्या हुआ, साइड बेंड्स, ट्विस्टिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग की प्रैक्टिस कर ली। अब जो अगला अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है कैट एंड काउ स्ट्रेच या मर्जर आसन और बिटिल आसन स्ट्रेच। तो आप क्या करेंगे, आराम से दोनों हथेलियों को ऐसे मैट पर रखेंगे और दोनों घुटनों के बीच में अपनी हिप जितना फासला करेंगे, बॉडी को स्टेबल रखेंगे, सांस लेंगे, पेट को ढीला छोड़ेंगे, छत की तरफ देखेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि की तरफ देखेंगे। हर दिन मैं आपको अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान और किस तरीके से बॉडी को रिलैक्स करते हैं, किस तरीके से बॉडी की क्लींजिंग करते हैं और आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास कर सकें, तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस में हर दिन हर एक क्लास कंप्लीट अलग होती है और इन योगा क्लासेस को कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अगर आपने पहले कभी योग का अभ्यास नहीं किया, अगर ऑलरेडी योग का अभ्यास करते हैं, अपनी प्रैक्टिस को और डीपन करना चाहते हैं या कि फिर आपको ऐसी कोई समस्या, आईबीएस है, कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, थायराइड, डायबिटीज़ की समस्या, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, पीसीओडी, रात में नींद नहीं आता, कंसीव नहीं कर पाते, अत्यधिक तनाव रहता है, बहुत अधिक एंग्शियस महसूस करते हैं, बहुत गुस्सा बहुत जल्दी आता है या कि फिर बहुत डिप्रेस रहते हैं, इन सभी हेल्थ कंडीशन में यकीन मानिए योग एक परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आप प्रशिक्षित योग गुरु के निगरानी में रह के योग का अभ्यास करें। अगर आप किसी कारण से इन जूम क्लासेस को नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं ना, कोई बात नहीं, मैंने कुछ कोर्सेस ऐसे डेवलप किए हैं जो कंप्लीट बिगनर फ्रेंडली हैं। आप घर में किसी भी वक्त किसी भी जगह इन वीडियोस को प्ले करके अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। अगर आपको इन क्लासेस और कोर्स के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट शेयर कर रही हूँ जो कि है www.yogawithshahida.com या कि फिर यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ। इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देंगे ना तो आपको क्लास और कोर्सेज के बारे में सारी जानकारी भेज दी जाएगी। तो जाइए अभी एक व्हाट्सएप कीजिए या कि फिर मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए। इसका अभ्यास कम से कम 8 से 10 बार कर लें और सांस छोड़ें तो इससे पूरी एब्डोमिनल मसल्स को आपके गहरी मसाज मिलेगी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेंथन होगा। सांस लिए, पेट को ढीला छोड़ा और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 3 बार और सांस लिया और सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि की तरफ देख रहे हैं ऐसे। बहुत झटका देके अभ्यास नहीं करें, जितना धीरे धीरे अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा इसका आपको फायदा मिलने वाला है। एक बार और सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने माथे को घुटने की तरफ इस तरीके से ड्रॉप करें, फिर उसके बाद आराम से अपनी एड़ियों पर बैठ जाएं इस तरीके से, दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर करें इस तरीके से। अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो, नहीं बड़ा है तो घुटनों को एक दूसरे के साथ रखें और फिर उसके बाद हाथ को धीरे से स्लाइड करें अपनी मैट पर और अपने हेड को ड्रॉप कर दें शशांक आसन इस तरीके से, रैबिट पोज। और यहाँ पर सांस लेते और छोड़ते हुए कम से कम 5 से 10 सेकेंड रेस्ट करें, पेट पर जो दबाव पड़ रहा है थाई का उसको महसूस करें ऐसे। और इस तरीके से जब आप हेड डाउन करके होते हैं तो ब्लड फ्लो बहुत बढ़िया आपके हेड रीजन की तरफ, सर की तरफ फ्लो होता है जिससे कि आपके मस्तिष्क को बहुत रिलैक्सेशन महसूस होता है। फिर उसके बाद आराम से सर को उठाएं और फिर उसके बाद अपनी योगा मैट पर अब खड़े हो जाएंगे। त्रिकोण आसन का अभ्यास करने के लिए दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखें और दोनों पैरों के बीच में कम से कम 3 फीट का फासला कर लें।
सबसे पहले अभ्यास राइट साइड करेंगे। तो त्रिकोण आसन का जब आप अभ्यास करते हैं तो आपके पेट पर दोनों साइड से बहुत अच्छा एक खिंचाव आता है, इससे पैर भी मजबूत होगा और स्पाइनल कॉर्ड की सेहत भी अच्छी होगी। पहले अभ्यास राइट साइड करेंगे तो राइट पैर के तलवे को बाहर की तरफ ऐसे घुमा दिया और लेफ्ट फुट को अंदर की तरफ इस तरीके से घुमा दिया और दोनों हाथों को ऐसे टी की पोजिशन पर लेके आ गए। ध्यान अपनी नाभि पर रखिएगा, सांस लिया, सामने देखें और सांस छोड़ते हुए हल्का सा ऐसे राइट साइड झुकते हुए, साइड में बेंड होना है, सामने नहीं झुकना है, और धीरे 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 या तो अपनी एंकल को पकड़ लें या अपने हाथ को अपने फ्लोर पर रख दें और चेहरे को घुमा दें छत की तरफ इस तरीके से। ऐसे पूरे पैर पर खिंचाव आएगा और पेट की साइड मसल्स पर बहुत अच्छा खिंचाव आएगा। यही अभ्यास लेफ्ट साइड, राइट पैर को अंदर करें आप और लेफ्ट पैर को ऐसे बाहर की तरफ करें। सांस लें और पहले लेफ्ट साइड हल्का सा ऐसे झुकते हुए देखिए कि आप कहाँ कंफर्टेबल हैं, फिर उसके बाद साइड से झुकते हुए छत की तरफ देखें ऐसे। 1 2 3 4 5 दोनों साइड आप 5-5 या 10-10 सेकेंड होल्ड करें और फिर उसके बाद इस पोस्चर को कम से कम 3 बार दोनों तरफ करें। चेहरे को घुमा दें छत की तरफ, 1 2 3 4 और 5, और फिर उसके बाद सांस लें और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड इस तरीके से। अगर हाथ इतना नीचे ना जा पाए तो क्या करें आप, आराम से अपने हाथ को अगर यहाँ तक भी पहुँचे तो थाई के ऊपर रखिए, यानी घुटने के ऊपर रखिए थाई पर, या कि फिर घुटने के नीचे रखिए। 1 2 3 4 5 दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखें और फिर उसके बाद दोनों पैरों को जोड़ें और फिर उसके बाद अब हम बैठ के किए जाने वाले आसन का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है गौमुख आसन। आराम से पालथी मार के बैठे हुए हैं, अपने लेफ्ट पैर के घुटने को मैट पर ही रहने दें, लेफ्ट एड़ी जो है आपकी राइट हिप के एग्जैक्टली करीब होगी, नीचे नहीं होगी, करीब होगी इस तरीके से। फिर उसके बाद लेफ्ट घुटने के ऊपर अपना राइट घुटना रख दें इस तरीके से, ऐसे। तो एक गाय के मुख जैसा, गाय के मुंह जैसा ऐसा एक स्ट्रक्चर बन गया आपके घुटने का। जिनको घुटने में दर्द है वो तो ये पोस्चर करना अवॉइड करें या पैर में कोई भी इंजरी होगी, और अगर आप कंप्लीटली ओके हैं, कोई दर्द नहीं है, इंजरी नहीं है, तो दोनों घुटनों को राइट लेफ्ट घुटने को राइट साइड पुल करें और लेफ्ट घुटने को राइट लेफ्ट साइड इस तरीके से पुल करें। राइट घुटना लेफ्ट साइड, लेफ्ट घुटना राइट साइड ऐसे पुल करें ताकि दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, इससे पेट पर हल्का दबाव पड़ेगा। अभी जो जब राइट पैर ऊपर है तो आपकी राइट साइड की इंटेस्टाइन में हल्का दबाव पड़ रहा है इस तरीके से। अब दोनों हाथों को टी की पोजिशन पर लेके आएँ, फिर उसके बाद चूँकि राइट घुटना ऊपर है तो राइट एल्बो टूवर्ड्स द सीलिंग, लेफ्ट एल्बो को नीचे की तरफ से ऐसे लेके जाएंगे ऐसे, और दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ पीछे लॉक कर देंगे ताकि चेस्ट बहुत अच्छी तरीके से ओपन हो। ज़रा पीछे से देखें इसका अभ्यास, जब मैं कर रही हूँ तो पीछे की तरफ से ऐसे इस तरीके से इसको लॉक कर दें अपने हाथ को और सामने देखें, होल्ड करें 1 2 3 4 एंड 5। जब एक साइड ये अभ्यास कर लिया, मैंने राइट साइड ये अभ्यास कर लिया, तो इसी अभ्यास को अब लेफ्ट घुटने को ऊपर रखेंगे। तो राइट घुटना ऊपर हो गया, राइट घुटना नीचे हो गया अब, और लेफ्ट घुटना उसके एग्जैक्टली ऊपर हो गया, दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर हो गए और अपनी हील को बॉडी के करीब रखेंगे। फिर उसके बाद अब लेफ्ट साइड की जो इंटेस्टाइन है ना, इस पर बहुत हल्का सा दबाव पड़ रहा है। अब लेफ्ट घुटना ऊपर है तो लेफ्ट एल्बो ऊपर, राइट एल्बो नीचे से लेके जाएंगे, और जहाँ तक आप अपने दोनों पंजों को, दोनों हाथ की हथेलियों को करीब लेके जा सकते हैं लेके जाएं और सामने देखें, होल्ड करें 5 सेकेंड 10 सेकेंड 30 सेकेंड, जितना देर तक आप पोस्चर को होल्ड कर सकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस अभ्यास को करते रहें। अभी फ़िलहाल 5 काउंट तक रोक रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। जब आप इस आसन का अभ्यास करें तो कम से कम 3 या 5 बार 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 करते रहें, राइट एंड लेफ्ट। अगर आप 3 या 5 बार नहीं कर रहे हो, एक ही बार में ज़्यादा देर तक होल्ड करना है, तो कम से कम इस पोस्चर को
30 सेकेंड या एक मिनट तक एक ही तरफ होल्ड करके रखिए, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अब पैरों को खोल देंगे और बॉडी के सामने ऐसे स्ट्रेच करके बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखेंगे, पैरों को टैप करेंगे, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। हर एक आसन के अभ्यास के बाद रेस्ट करें, बहुत जल्दी जल्दी कोई भी अभ्यास ना करें। तो अभी हम स्थिर दंड आसन में बैठकर कम से कम हर एक पोस्चर के बाद 30 सेकेंड या एक मिनट का रेस्ट कर लिया करें, फिर उसके बाद अगला आसन का अभ्यास करें। अब दोनों पैरों को बॉडी के सामने स्ट्रेच करके रखेंगे और अगले आसन का जो अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। सांस लिया, दोनों हाथों को छत की तरफ इस तरीके से खींचे, दोनों हाथों को इस तरीके से बाजुओं को कान के पास रखें, सांस लें, थोड़ा सा पीछे झुक जाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे धीरे, जब आप आगे की तरफ झुकेंगे ना तो आपकी थाई का दबाव पेट पर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आएगा। और दोनों हाथों से अपने पैर के तलवों को पकड़ लें और माथे को घुटने की तरफ जाने दें। इस पोस्चर को कम से कम 5 काउंट, 10 काउंट या 30 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखें। अब सांस लेते हुए रिलीज कर दें। बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि इस तरीके से अपने पैर को पकड़ सकें, तो आप क्या करेंगे, सांस लेंगे, बस अपनी रीढ़ की हड्डी जो है ना इसको सीधा रखेंगे, लोअर बैक से झुकेंगे और इस तरीके से सामने की तरफ झुकेंगे। आपकी थाई का दबाव हल्का पेट पर पड़ने लगेगा, सामने की तरफ देखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को राउंडेड नहीं करेंगे, सीधा रखेंगे। हाथ अगर जहाँ तक पहुँचे, घुटने के नीचे तक पहुँचे, शिन बोन तक पहुँचे, काफ तक पहुँचे, एंकल तक पहुँचे, तो यहीं तक रुक के होल्ड करेंगे। जो दबाव पेट पर पड़ रहा है ना इसको महसूस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका अभ्यास 3 बार 5 बार कर लें। हर एक बार जब अभ्यास करें तो कम से कम इसको 10 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स होल्ड करके रखें, या कि फिर लगातार कर रहे हैं तो कम से कम 30 सेकेंड या एक मिनट तक होल्ड करके रखें। हर एक अभ्यास अपनी कंफर्ट के हिसाब से करें। अब इस अभ्यास को करने के बाद पेट पर तो बहुत अच्छा दबाव पड़ गया। अब दूसरा जो अभ्यास कर रहे हैं ये है वक्रासन। वक्रासन का अभ्यास करने के लिए आपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ा और उसके बाद राइट घुटने को लेफ्ट, राइट पैर के को लेफ्ट घुटने के दूसरी तरफ इस तरीके से रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, राइट पैर आपका मुड़ा हुआ है ना, तो राइट पाम को बॉडी के पीछे रखेंगे इस तरीके से, फिर लेफ्ट हथेली से राइट नी को लेफ्ट शोल्डर की तरफ पुल करेंगे और चेहरे को पूरा घुमा देंगे पीछे की तरफ। कैसे, सांस लें और सांस छोड़ते हुए लुक बैक इस तरीके से और ब्रीद करते रहें। अब ब्रीद करते रहें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप इससे ज़्यादा देर तक भी होल्ड कर सकते हैं पोस्चर को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। अब राइट साइड ये अभ्यास कर लिया है तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ा, लेफ्ट पैर के तलवे को राइट घुटने के दूसरी तरफ रख दिया, राइट, लेफ्ट पैर मुड़ा हुआ है तो लेफ्ट हाथ को बॉडी के पीछे रखा, लेफ्ट हाथ को बॉडी के पीछे रखा और फिर उसके बाद राइट हथेली से लेफ्ट नी को पुल करेंगे अपनी राइट शोल्डर की तरफ और पीछे की तरफ इस तरीके से चेहरे को घुमा देंगे। इस पोस्चर को भी कम से कम, मिनिमम से मिनिमम 10 काउंट्स तक ज़रूर होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और रिलीज़ कर दें। इन दोनों अभ्यास में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आपका थाई का दबाव साइड बाय साइड बेली पर बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ रहा है और साथ ही जब आप पीछे की तरफ घूम रहे थे तो पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को इससे गहरी मसाज मिली, पूरी एब्डोमिनल मसल्स को गहरी मसाज मिली। तो 3 से 5 बार इस आसन का भी अभ्यास करें। अब बैठ कर आसनों का अभ्यास कर लिया, अब लेट कर आसनों का अभ्यास करेंगे। आराम से हम अपने पेट के बल अपनी योगा मैट पर लेट जाएंगे, फिर उसके बाद रेस्ट करेंगे। हर एक आसन के बाद जैसे मैंने बताया था कि आपको रेस्ट करना है, तो यहाँ पर हम मकर आसन या क्रोकोडाइल पोज में रेस्ट करेंगे। कुछ देर रेस्ट करने के बाद दोनों हथेलियों को अपनी छाती के ऐसे साइड में रखेंगे,
इस तरीके से, ठीक है। दोनों पैर की एड़ियों को एक दूसरे के साथ जोड़ लें और अपने पैर के जो अंगूठे हैं ना, इसको बाहर की तरफ कर दें, उंगलियों को, पैर की उंगलियों को बाहर की तरफ कर दें। और फिर उसके बाद सांस लें धीरे 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 धीरे। रोल योर शोल्डर्स बैक, कान को कंधे से दूर रखिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक्सहेल, हेड डाउन, चेस्ट डाउन, तीन बार अभ्यास कर लें। सांस लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ध्यान रखिएगा नाभि जो है वो मैट पर हो और एल्बो को पूरी सीधी मत कर लीजिएगा। कैसे? सांस लिया तो इस तरीके से पूरा ऐसे बॉडी को मत उठाइएगा पेट पर, वरना दबाव तो पड़ेगा नहीं। तो नाभि को मैट पर ड्रॉप कीजिएगा, एड़ी को जोड़ के रखिएगा और एल्बो को यानी कोहनी को मोड़ के रखिएगा इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद पॉस्चर को रिलीज करने के बाद आप आराम से पीठ के बल लेट जाएंगे। अब हम अभ्यास करेंगे मत्स्यासन या फिश पोज का। दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखिए। बहुत इजी तरीका बता रही हूँ ताकि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, हर कोई इंसान इसका अभ्यास कर सके। हाफ उठ जाएं इस तरीके से, अपनी बॉडी का वेट अपने एल्बो पर ड्रॉप कर दें और फिर धीरे से चेस्ट को ओपन करते हुए अपने सर के सबसे ऊपरी हिस्से को इस तरीके से मैट पर ड्रॉप करें। अब अपनी एब्डोमिनल मसल्स को हल्का सा अंदर की तरफ पुल करें इस तरीके से कम इस पॉस्चर को 10 काउंट तक होल्ड करके रखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। रिलीज कर दें। अगला आसन जो हम वापस से कर रहे हैं वो लेट कर रहे हैं इस तरीके से। राइट पैर को घुटने से मोड़ा, देखिए राइट साइड की इंटेस्टाइन पर बड़ा अच्छा दबाव पड़ेगा इस तरीके से। अभ्यास कर रहे हैं अर्ध पवन मुक्त आसन की। तो इस तरीके से थाई को बेली की तरफ लेके आएं और फिर इसके बाद अपने दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे फंसा लें एक दूसरे के साथ और फिर उसके बाद अपने थाई को बेली की तरफ पुल करें ऐसे। फिर सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपनी नाक को अपने घुटने की तरफ लेके जाएं और होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5। सांस लें, हेड डाउन कर दें। दो बार और करें। सांस लें, सांस छोड़ें। 1, 2, 3, 4, 5। सांसों को रोक के रखा था, अब सांस लें और हेड ड्रॉप कर दें। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका नाक घुटने तक ना पहुंच पाए, तो जितना हो सके इस तरीके से उठाएं और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। चाहे अगर सांस ना रोक पाएं तो इसी तरीके से होल्ड करके रखें, फिर रिलीज़ कर दें। यही अभ्यास जब आप राइट साइड कर लें तो लेफ्ट साइड भी इसका अभ्यास ज़रूर किया करें इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपका नाक ना पहुँचे तो आप माथे से भी अभ्यास कर सकते हैं। सांस लिया और सांस छोड़ते हुए माथे को करें, माथा ना पहुंचे नाक को करें, नाक ना पहुंचे तो जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक इसका अभ्यास करें। फिर उसके बाद दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लें और थाई को बेली की तरफ ऐसे दबाएं, पुश करें इस तरीके से ताकि पूरा का पूरा दबाव पेट पर बहुत अच्छा पड़े ऐसे। और ब्रीद करते रहें कुछ देर, चाहें तो ऐसे ही लेटे रहें नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए, ऐसे ही आराम से लेटे हुए ब्रीद करें, ब्रीद करें, ब्रीद करें। फिर उसके बाद कम से कम 5 से 10 मिनट आपको शवासन यानी कॉर्प्स पोज में इस तरीके से लेट जाना है। पैरों को एक दूसरे से दूर करना है, दोनों हाथों को बॉडी से दूर करना है और आराम करना है शवासन में लेट कर, ताकि आपका मन शांत हो, रिलैक्स हो, जिससे कि इस समस्या से आप उबर सकें। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें, रेस्ट करें, रेस्ट करें। पूरा अभ्यास जो किया है उसकी वजह से जो भी परिवर्तन आए हैं आपके शरीर में उसकी जानकारी बना के रखें। ब्रीद करें, ब्रीद करें, ब्रीद करें, ब्रीद करें, ब्रीद करें। तो ये थे वो सारे अभ्यास जो आपको हर दिन करने हैं। अगर आप चाहते हैं आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली आने वाली वीडियोस आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। अगर मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी। आप सभी अपना ख्याल रखें और निरंतर योग का अभ्यास करते रहें। नमस्ते।